हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से। अभी सुबह के 8 बजे हैं और माँ से कुछ सलाह बंदी चल रही है यहाँ पे, और सलाह ये चल रही कल पिताजी की और माँ की होगी थी भिड़ंत, तो उसी चीज का चर्चा चल रही। कल तो पंगा हो गया था भारी, मतलब शाम तक स्थिति जो है काबू में आई, पूरा शासन प्रशासन लगा घर का, तब जाकर माहौल बना दोबारा। तो उस चीज का जिक्र न करियो फिर। और कल का जो डैमेज कंट्रोल हुआ ना, वो बहुत मुश्किल से हुआ। तो फिलहाल जो है जी, बच्चे जो हैं नहा रहे हैं, अभी रेडी होंगे स्कूल के लिए, और गुड्डू चली गई स्कूल, और वो देखो कहाँ से आवाज लगा रही है। नंदनी को ना कल से इस कुर्सी का बहुत ज्यादा शौक चढ़ा हुआ है। कल उतरवा लिए, टांड पर रख दी थी साफ सफाई में, आराम से बैठी, गिर भी जाएगी पीछे, वो प्रैक्टिस कर रही पूरी बैठने की। ए? क्या आ गया था? और आज बंदर आ गए थे। हाँ, हाथ ना छोड़े, गिर जाएगी, हाथ ना छोड़े। क्या मैं छोड़ दूँ? नहीं, गिर जाएगी कुर्सी। अरे नहीं गिर जाएगी कुर्सी, अरे गिर जाएगी, नहीं नहीं संभाल पाओगे तुम, ज्यादा जिद्दी बना दी तुझे मैंने, ये सारा उलाना मेरे ही सिर पर आम धरा। सुबह के जो है 10 बज गए हैं, बच्चे तो स्कूल चले गए हैं, और आज जो है किचन का नंबर आ चुका है, क्योंकि ऊपर एक रूम रह रहा है उसमें करेंगे बाद में, सबसे पहले काम है किचन का। होली जो है नजदीकी आ गई है, तो सारे डब्बे ब्रेकफास्ट के बर्तन जो है मैंने साफ कर दिए हैं, और सारे डब्बे निकाल कर रख दिए हैं यहाँ पर। उधर की साइड बैठकर छांव में बैठकर साफ कर लूंगी, फिर नहीं तो वहां पर जो है गीला हो जाता है। और नंदनी का आप सबको पता ही है, पानी में घुसने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, और साथ ही साथ जो है रोक्सी का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आज उसे बंदरों ने सुबह जो है वो बाल बाल बच गई है देख लिया है। ये बरामदे में घूम रही थी जब गुड्डू के पापा वॉकिंग पर गए, और फिर माँ जो है बरामदे में लेटी हुई थी सुबह के टाइम, तो उनका ध्यान पड़ा, बंदर आया और बहुत तेज से झपटा, माँ ने शोर मचाया, तब जाकर उसके मतलब बाल बाल ही बच गई आज तो वह। तो बच्चों, खेलकूद तो होता ही रहता है, ठीक है, और खेलकूद के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जरूरी है, और पढ़ाई के ना तौर तरीके बदल गए हैं बिल्कुल। जैसा सारा सारा दिन मोबाइल में बिजी हो जाता है ना, कई कई बार छुट्टी के दिन, तो वो मोबाइल जो है उसमें काम की चीजें आप देख सको, और कुछ अपने हॉबी और टैलेंट को डेवलप कर सको। कुछ ऐसी चीज आपके लिए बताऊंगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ में उनकी हॉबी, उनका इंटरेस्ट, उनका जो टैलेंट है उसे डेवलप कैसे किया जाए, तो इसके लिए क्या हो सकता है, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है येलो क्लासेस, और उसके द्वारा भी बच्चे अपना टैलेंट, अपनी हॉबी को लर्न कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पापा जी, मैं कल मम्मी से तो पूछ रही थी येलो क्लास के बारे में, पर मम्मी ने बताया नहीं। अच्छा बेटा, येलो क्लास जो है एक एप्लीकेशन है जिस पे 3 साल से लेके ना 16 साल के बच्चे, वो क्या है कि अपनी हॉबी, अपना इंटरेस्ट या जो भी लर्न करना चाहते हैं, ठीक है, वो उसमें लर्न कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। जैसे आप पूछ रहे थे ना चिंकी, ठीक है, इस पर डांसिंग भी सीख सकते हैं, तो इस पर बहुत सारी चीज है, जैसे आर्ट, क्राफ्ट, डांसिंग, सिंगिंग, ये सारी चीजें इसमें अवेलेबल हैं। और इसके अलावा बताऊं, मैथ, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब सब्जेक्ट भी इस पर बिल्कुल फ्री पढ़ाए जाते हैं। और एक चीज और, इस पर ना पूरे इंडिया में 20 लाख से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं जिनके द्वारा ये सर्टिफाइड है, और लाखों बच्चे हर महीने इसके साथ जुड़ भी रहे हैं। और इसके अलावा ना जो सेलिब्रिटीज मेंटर है ना, जैसे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हो गए, जैसे एक सिंगर है शान, विद्या मालवड़े एक्टर, ये सब ना मतलब इस पर प्रोवाइड कराते हैं लर्निंग मेंटर के रूप में। तो ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है और बिल्कुल फ्री कराते हैं। वो भी लर्न करने के अलावा ना इस पर ना बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइज भी जीत सकते हैं बच्चे, जैसे एप्पल का आईपैड हो गया, बाइसिकल, अमेजन के बहुत सारे वाउचर्स हो गए, ठीक है, प्ले स्टेशन, और इसके अलावा बहुत कुछ। एक और खास बात है, जो मार्च में है ना येलो क्लास पे एक कॉम्पिटिशन है जिसमें पार्टिसिपेट करके ना बच्चे एप्पल का आईपैड जीत सकते हैं। देखो कितनी बजे की बात है दोस्तों। अगर आपके घर में भी 3 से लेकर 16 साल के बीच में बच्चे हैं, और उनमें कोई हॉबी है लर्न करने की, या किसी चीज में उनका इंटरेस्ट है, ये बहुत वाइड इस पे रेंज है बच्चों को
लर्न कराने के लिए। जो प्रोफेशनल मेंटर हैं वो इसमें लर्निंग प्रोवाइड कराते हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप येलो क्लास पर फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल, और जहां से आप अपनी हॉबी बहुत अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो है ना कमाल की बात, देखो मोबाइल पे ही कितनी सारी चीज़, वो भी बिल्कुल फ्री और अपनी हॉबी के अनुसार जो भी हमें पसंद है। इसमें जो है पढ़ाई के भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे मैंने आपको बताए। तो देखो कितना अच्छा ऐप हुआ, है ना कमाल की बात। तो जी ये है 3 से 16 साल के बीच के बच्चों के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड करके और फ्री ऑफ कॉस्ट जो अपनी हॉबी है वो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। चारों कमरों की क्लीनिंग करने के बाद में अब नंबर आता है हमारी रसोई का। ये डब्बे मैंने निकलवा दिए थे सुबह ही और बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए हैं। प्रीति अभी नंदनी को जो है सुला रही है, तो मैंने सोचा कि इन्हें ही कर देते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पर तेज़ धूप आ जाएगी छाँव में, तो हम अंदर किचन में जो है जो उसकी साफ़ सफाई है घिसाई की टाइल्स पे जो है हमें काफ़ी मेहनत करनी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। वो तो उनका कलर ऐसा है उसमें चमकता नहीं है, तो और वैसे भी हम डेली हल्का हल्का कपड़ा मारते हैं, लेकिन सर्फ के कपड़े से जैसे ही किचन चमकेगी वो आपको दिखाएंगे। तो एक एक करके डब्बा जो है मैंने साफ करना शुरू कर दिया था ये, और इनमें डब्बों में जो है दालें हैं और एक दो जो खाली हैं डब्बे उन्हें मैं अंदर से भी साफ़ कर दूंगी। ये सारे डब्बे खाली मैंने पूरे इसलिए नहीं किए क्योंकि नंदनी जो है सारा सामान सूखना बहुत मुश्किल कर देती। वो तो जो है जब हम गेहूँ सुखाते हैं ना तब उसमें भी घुस के एक एक कमरे में सारे दाने बिखेर देती है। तो जी बच्चों के घर में ऐसा ही होता है, उनसे छिपाकर ही हमें सारी चीज़ें सुखानी पड़ती है। वैसे मैं एक एक सामान जब वो सो जाएगी ना तब निकालूंगी, अभी वो अंदर है वो उसे सुलाने की कोशिश कर रही है प्रीति दूध पिलाकर, तो देखते हैं सोएगी या नहीं। वैसे सो तो सकती है क्योंकि वो बहुत सवेरा उठ जाती है। तो जी यहाँ पर ये डब्बे साफ़ हो चुके हैं, अब इनको जो है मैं चारपाई पर रखूँगी ताकि ये नीचे से जो है गंदे ना हों और अच्छे से सूख भी जाएंगे। ये धूप में रख दूँगी, दालों पर भी आँच लगेगी क्योंकि तेज़ धूप होती है। और ये बॉर्नविटा का डब्बा खाली कर दिया था, तो ये डब्बे जो है खाली भी हमारे काम आ जाते हैं। और माँ देख रही है अभी यहाँ पर, और बर्तन भी मैंने सारे धूप में ही रख रखे हैं टब में भर के यहीं पर, तो सारे के सारे जो है सूख जाएंगे। फिर जो है तब तक किचन भी साफ़ हो जाएगी, उसमें से जो है फिर सारे के सारे डब्बे लगा देंगे उसे सूखने के बाद में। भगवान देखो ये किचन में सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं मूसक लाल जी, पूरे घर में चाचा जी कहते हैं, तो इनके बिना तो बरकत भी नहीं होती। ए मूसक लाल ये देखो राजा है वो इस घर का राजा, देख कहीं अभी देख रही वो तो जरूर रोना चाहे घर में है। हाँ इसमें था फ्रिज में, फ्रिज को ना मुझे आज साफ करना, देखो पीछे से कितना गंदा हो रहा। मैं प्रीति कह रही इसका स्टार उठवा दे, इसे बाहर निकलवा दे, इसे पूरे को साफ करेंगे। रसोई का हाल है कुछ ऐसा, कुछ सामान नीचे रखा है ग्रोसरी का, और ये देखिए कुछ मार्केट से आएगा आज ये लेकर आएंगे। रसोई सुबह से आज हमने नहीं संगवाई है, अस्त व्यस्त कर रखी है पूरी। और इधर फ्रिज की पीछे का हाल है, ये लहसुन केले के छिलके सब जो देखा ना आपने कितना बड़ा मूसक लाल है। इसमें से और निकालना है सामान, उधर की अलमारी खाली कर दी है, नीचे से डब्बे उठा दिए हैं, कप रह रहे हैं, और जितने डब्बे थे वो मैंने साफ कर दिए हैं। और ये छोटे डब्बे जो हैं इसमें एक में सिल्का है, ये तो अभी धुला हुआ ही है, और इसमें भी कुछ रखा होगा। हाँ इसमें मेथी है, ये भी धुला हुआ है, और बाकी सब मैंने साफ कर दिए हैं। ट्रे हैं वो तो डेली यूज होती है। फ्रिज हमने यहाँ पर निकाल कर खड़ा कर दिया है, और हंडी में भी दूध रख दिया है, आज अभी दूध भी लोया था यानी कि दही। ये देखिए ये सारे बर्तन, फ्रिज का स्टैंड पीछे का, ये पानी का, ये सब साफ कर दिए हैं। और भगवान जी के कपड़े भी धुल गए हैं, ये रह रहा था ना एरिया साफ किए बिना, वो भी आज हो जाएगा। और ये मसाले पीसने के लिए सूखने के लिए रख दिए हैं, कुछ डब्बे मसालेदानी वगैरह मैंने खाली करके बिल्कुल साफ किए हैं क्योंकि ये वाली छोटी डब्बी ना बहुत गंदी हो जाती है। तो जी अभी जो है ये सिलेंडर और चूल्हा भी हमने बाहर रख लिया है, दोपहर के खाने का भी टाइम हो गया है, कपड़ों की धुलाई भी हो गई है, और बस ये रसोई में जो है सारा सामान आज सुबह से ही अस्त व्यस्त है। चलिए एक बार तो हमें ऐसा लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें, भले ये छोटी सी रसोई है लेकिन सामान काफ़ी ज़्यादा है। रसोई की चल रही है साफ सफाई, और चूल्हा और ये सिलेंडर रख लिया यहाँ पे, और क्या बन रहा है आज खाने में? मठा वाले आलू बनेंगे और बस रोटी बनेगी। मठा के आलू मतलब रायता,
और बैंगन का भरता रखा। उधर वाली यूपी में, पूर्वी यूपी में बोलते हैं मठा के आलू, फेमस डिश है वहाँ की, और हम बोलते हैं रायता। आलू का भी हो सकता है वो, खीरे का भी, गाजर का भी और लौकी का भी, कई तरह के रायते कई रूप में बनता है। हाँ चिंकी, भूख लग गई क्या? छोटा किचन है यो। ये छोटा किचन नहीं, ये बड़ा किचन नहीं हो गया, यहाँ रख लिया आज निकाल के, अंदर साफ सफाई चल लेना उसमें। तो यहाँ पर अभी मैंने आलू जो है छील दिए हैं, ये आलू हमने हरी में उबाल लिए थे और एक ही भाप में जो है ये बहुत अच्छे से उबल जाते हैं, इतने अच्छे आलू हैं। और आटा भी बनाकर रख लिया है, नंदनी सोकर उठ गई है, और कपड़े इसके अब देखना आप गीले ही मिला करेंगे ज़्यादातर, मतलब पानी में जितना भी रोकते हैं उतना ही जाकर घुस जाती है। और बोलती है मुझे मम चाहिए, नानी बोलती है पानी को भी कि मुझे नानी चाहिए। तो जी यहाँ पर इसमें रायते में तड़का लगाने की अब तैयारी हो गई है। ये चमचा जो है मैंने अच्छे से गरम कर लिया था, हींग और सरसों के दाने का यहाँ पर मैं इसमें छोंक लगाऊंगी, हरी प्याज जो है और हरी मिर्च दोनों पीस कर जो है हमने इसमें डाल ली है। तो देखिए हमारे मठा वाले आलू बन के तैयार हो गए हैं। यहाँ पर रोटी यहाँ रखी है, रायता फ्रिज में है, और आरुषि यहाँ पर है, और इसके पीछे शक्कर रखी हुई है डब्बे में, जिसे चाहिए हो वो खा सकता है। बर्तन साफ हो चुके हैं सारे के सारे, वहाँ रखे हैं टोकरे में, डिब्बे भी सूख गए सारे के सारे, फ्रिज अभी साफ नहीं किया, वो वाला एरिया गैस का चूल्हा ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, अब चलते हैं इसमें। और प्रीति ने ऊपर का स्लेब बिल्कुल क्लीन कर दिया है, ये देखे। अब मैं लगूंगी इधर की साइड, ये स्टैंड साफ करना है और ये टाइल साफ करनी है, ये भी होगा जिसमें प्याज रखी है, प्याज लहसुन। और ये अलमारी हो चुकी है एकदम साफ, ये देखिए कप भी लग गए हैं, डब्बे लग गए हैं, टिफिन भी यहीं पर रख दिए हैं, ये एरिया खाली कर दिया है। अभी थोड़ा सा सामान जो है हम लोगों ने इधर उधर रख दिया है, और ये ड्रम जो है प्रीति ने ऐसा चमका दिया है बिल्कुल साफ़ सुथरा। और जी कई लोग बोलते हैं कि माँ पिताजी का कमरा बोलो, बच्चे उनके साथ रहे या वो उनके साथ रहे, बात एक ही है, इसमें अलग अलग बात कौन सी हुई। तो घर तो माँ पिताजी का बनाया हुआ है, हमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं आगे, ठीक है जी। तो घर तो उन्हीं का है और वो हमारे माँ बाप है, और देखिए ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ बटा हुआ है, जॉइंट फैमिली है, ऊपर से लेकर नीचे तक काफ़ी सारे मकान बने हुए, कोई कहीं भी सो सकता है, ठीक है जी। तो अभी मैंने स्टैंड वगैरह बर्तनों का साफ़ कर दिया है क्योंकि उस पर बर्तन लग जाएंगे, और ये दाल मैंने चने की सुखाई थी तो खैर इसकी जान बच गई, नहीं तो ये नंदनी जो है ना मुट्ठी भर भर के जो है गिरा देती है हर जगह पर। तो चने की दाल डब्बों वगैरह में मैंने सब में डाल दी है, और ये बोल रहा है आज तो हमारी किचन जो है चमक जाएगी। तो जी आज जो है लगभग हम इसे कर देंगे। छोटा फ्रिज हमने अभी बाहर निकाल रखा है, फिर ये फ्रिज के अंदर के जितने भी स्लैब हैं वो सारे निकाल के साफ़ करेंगे, जितने भी स्टैंड वगैरह हैं। और प्रीति ने देखे टाइल्स जो है सामने वाली भी एकदम क्लीन कर दी है, मैंने डब्बे लगा दिए हैं और इन्हें भेजूंगी अब मार्केट, मार्केट से ये लेकर आएंगे सामान जो कुछ ख़त्म हो रखा है। और बच्चे देख रहे हैं और इनके बहुत सारे सवाल भी होते हैं, क्यों हम सफाई कर रहे हैं ये वो, और कल तो जो है हमारा पूरा दिन जो है पूजा पाठ में ही निकल जाएगा। मसाले दानी तो इस तरीके से चमका दी बिल्कुल, जैसे मेरा चेहरा बिल्कुल साफ नजर आ रहा, देखा उस तेरा भी चमक रहा देखो कितने अच्छे से चमक गई एकदम क्लियर। चलो इसमें भी लगाते हैं मसाले, ये सेट तो कर दी मैंने, अब इसमें मसाले डालने बाकी रह गए। यहाँ पर कूड़ा फैलाया, नीचे बर्तन गिरते जा रहे हैं। अभी फ्रिज साफ नहीं हुआ है, फ्रिज रह गया है तो उसे लगाएंगे यहाँ पर, तब तक यहाँ पर सूख जाएगा। बर्तन लग चुके हैं और यहाँ पर ये दोनों ट्रे ऐसे रखती है वापस, और साफ किचन अलग ही दिखाई दे रही है। और इधर का चेंज कर दिया है थोड़ा सा, गुड़ शक्कर के जो डब्बे हैं वो यहाँ पर लगा दिया है कोने में, देखिए इसमें गुड़ है इसमें शक्कर, ये खाली डब्बे हैं, अब सामान आएगा ना किचन का। और ये तो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये देखिए इसमें यहाँ पर ये एक्स्ट्रा सामान जो डब्बों से अलग है, कप वगैरह, और यहाँ पर भी डिब्बे। ये नींबू का अचार है जो मेरी बहन ने भेजा था बोबी ने बनाकर, ये धूप में रखा था कई दिन से और अब ये सही हो गया है खाने के लायक।